गुरु संसार जन हर धरती हर जो आश भव जो मम यान पर को गुरु को धन को नमस्कार। श्री तारण साहब का चार ग्रंथ अच्छी नमस्कृत लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्तये शुद्ध सद्भाव पूर्णं संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीते विन्दते। आचार्य प्रवर सत्व संत दारण कर महाराज जी महाराज मंत्रोच्चरण एक साथ करेंगे सभी। नम ओंसिद्ध नमो नम ओ नम ओंसिद्ध नमो नम ओ सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्हाल शत्व तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा के अमृत रस ज्ञान था यह श्री तारण तारण शंकराचार्य ग्रंथा जी, जहाँ अपन अशुद्ध षटकर्मों से मुक्त होने वाला आत्मार्थी ज्ञानी श्रावक किस प्रकार से शुद्ध षटकर्मों का पालन करता है, इस बात का चिंतन और तारण स्वामी के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग समझना किया। गाथा नंबर है 336। कल अपन ने गाथा नंबर 336 का वाचन कर लिया था, एक बार रिवीजन करते हुए 336 पे जाते हैं। गाथा नंबर 336 में आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने कहा था सम्मतम आदि गुण सार्धम, भैया समय दृष्टि कौन है जो अदेव कुदेव मिथ्यादेव आदि से अपनी दृष्टि हटा के क्या करता है भैया, सम्मतम आदि गुण साधक सम्यक्त आदि गुणों की साधना करता है, श्रद्धान करता है अपने निज शुद्ध आत्मा के गुणों का श्रद्धान करता है भैया। मिथ्या मल दोष वह आत्मार्थी ज्ञानी श्रावक मिथ्यात् के मल से विमुक्त हो जाता है, सिद्धम गुणस संयुक्तम भैया और काय गुण से संयुक्त होता है। अपन ने पूर्व गाथा में सिद्धों के 8 गुण पढ़े थे तो कह रहे हैं इस प्रकार से सिद्धों के समान ही मेरा स्वभाव है, सिद्धों के गुणों से मैं सिद्ध समान गुणों से संयुक्त होता है, सार्धम भव्य लोक इस लोक में वो ही भव्य जीव है। देखो इस लोक में भव्य जीव की बात, भव्य देखो जीव अपन जान रहे हैं ना भव्य अभव्य दो प्रकार, और भव्यों में भी ये जान रहा है कि भैया भव्यों में भी ऐसे जीव है जो अपनी भव्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे, भव्य है लेकिन भव्य होने के बाद भी अपनी भव्यता का जागरण नहीं कर पाएंगे। यहाँ उन जीवों की बात चल रही है सार्धम भव्य लोके, जो भव्य तो है लेकिन अपने तत्व की साधना में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रद्धान कर रहे हैं सिद्धों के समान अपने गुणों को
जान रहा है, सम्यक आदि गुणों से संयुक्त अपने शुद्ध आत्मा से संयुक्त है और मिथ्यात के मल से मुक्त है भैया, वह आत्मार्थी भव्य जीव है। इस प्रकार से पहले गुरु माई ने अरिहंत के गुण कहे थे, फिर सिद्धों के गुण कहे, अब आचार्यों के गुण कह रहे। क्योंकि देखो भैया, यहाँ पंच परमेष्ठी के गुणों की साधना का निरूपण है। यहाँ पर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ने से उन गुणों की प्राप्ति का लक्ष्य हो तो अपनी क्या बोलते हैं आत्म साधना हो सकती है। और यदि नमोकार मंत्र अकेला पढ़ लिया जाए और उनके गुणों का पता ना हो तो उस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि तारण स्वामी ने मार्ग पे आगे बढ़ने का रास्ता दिया, उन्होंने जीव को इस मार्ग पे आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, तो आगे कैसे बढ़ेगा जीव भैया? यदि पंच परमेष्ठी को ही परमात्मा मानता रहेगा, मानने में कोई समस्या नहीं है, तो वो वीतरागी है, उन्होंने अपने हित का मार्ग बना लिया है, रत्नत्रय से संयुक्त है, उन्हें परमात्मा स्वीकार करने से कोई परहेज नहीं है भैया। लेकिन उन्हीं को परमात्मा स्वीकार करता रहे और इसे अपने परम तत्व का बोध ना आए, उनके समान गुणों का ऐसे सहकार ना हो, तो ये जीव स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता। और मोक्ष मार्ग क्या है भैया? निरंतर विकास करने का मार्ग। आप वर्तमान में आपको निरंतर विकास करने की आदत होनी चाहिए। कैसा विकास भैया? क्या विकास? आत्मोन्नति, लौकिक उन्नति नहीं। अपन संसार की उन्नति का विचार करते हैं लेकिन आचार्य आत्मोन्नति के विचार की बात कर रहे हैं। तो आपको अपने आत्मा की उन्नति की चिंता करना है भैया। और क्या कह रहे हैं स्वामी? आचार्यम आचरणम धर्मम। भैया आचार्य परमेश्वर कौन है? बस सीधी बात कही आचार्य तारण स्वामी ने, आचार्यम आचरणम धर्मम। भैया जो अपने धर्म में आचरण कर रहे हैं, जो शुद्ध वीतराग धर्म में आचरण कर रहे हैं, चेतन लक्षण में शुद्ध वीतराग धर्म में जो आचरण कर रहे हैं वो कौन है? आचार्य। अब देखो इन आचार्य तो शुद्ध धर्म में आचरण कर रहे हैं लेकिन इन आचार्य परमात्माओं का स्तवन करने का क्या लाभ? ति अर्थ शुद्ध दर्शन, वह स्वयं ति अर्थ में रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं और भव्य जीवों को भी उस रत्नत्रय धर्म को प्रकट करने का मार्ग बता, स्वयं शुद्ध धर्म में रति कर रहे हैं और भव्य जीवों को भी शुद्ध धर्म में रत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्वयं ति अर्थ में उत्पन्न अर्थ में हितकार अर्थ में सहकार अर्थ में स्वयं शुद्ध अर्थ की साधना कर रहे हैं, अर्थात संक्षेप में कहें तो स्वयं रत्नत्रय की साधना कर रहा है, स्वयं दर्शन आदि गुणों से संयुक्त है और भव्य जीवों को भी क्या कह रहा है भैया? हे भव्य आत्मा, कहाँ पर परोन्मुख दृष्टि कर रहे हो, कहाँ पर्याय की ओर देख रहे हो? देखो तो तुम्हारे अंतर में भी तुम्हारा तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव है, स्वयं धर्म में आचरण कर रहे हैं और धर्म में आचरण करने की प्रेरणा दे रहा है, इसलिए आचार्य। और भगवान आत्मा यदि स्वयं धर्म में आचरण ना हो तो देखो यहां तो अपने कल्याण करने का मार्ग है, अपना कल्याण करने का मार्ग है, तो अपने को आचार्य परमात्मा की बात सुन के अपने में आचरण करने की रुचि लगे तो अपना कल्याण हो सकता है। और यदि अपन सिर्फ उनकी बात सुन के और यदि अंतर में ना उतारे और अपनी मूर्ताओं का पालन करते रहे भैया, हाँ भैया ठीक है, तारण स्वामी ने क्या कही है, क्या कही है भैया कि तू स्वयं भगवान है, लेकिन भैया अभी तो हमें अन्य जगह भी भगवान दिख रहा है, अन्य स्थान पर भी भगवान की मानता हो रही है। यदि सुनते रहे गुरु महाराज की और मानते रहे अपने मन की तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? मानते रहे भैया अपने मन की, करते हैं अपन मनमानी, अपने मन का ही धन चलाते रहे और तारण स्वामी की बात सुनते रहे, ती अर्थ शुद्ध दर्शन। भैया ज्ञानी श्रावक जो है वो आचार्य परमात्मा की वाणी को ग्रहण करके अपने ती अर्थ में शुद्ध स्वभाव के दर्शन को प्रकट करता है भैया, क्योंकि उनका भी यही काम है और अपना भी यही काम है। ये देखो दोनों की दृष्टि एक जैसी हो तो काम बन जाए, और उनकी दृष्टि में अपना रत्नत्रय स्वभाव दिख रहा हो और अपनी दृष्टि में बाहर जड़ पुद्गल संसार शरीर भोग इंद्रिय विषय दिख रहे हो तो काम बनेगा? दोनों की दृष्टि में एक जैसी चीज होगी तो मोक्ष मार्ग है ना।
देखो भैया, अपन रोज चर्चा कर रहे हैं ना कि मोक्ष मार्ग में दृष्टि की भूमिका है। ये आवृत्ति श्रावक हो या भावलिंगी संत हो, दोनों की दृष्टि में वस्तु का स्वभाव एक जैसा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आवृत्ति श्रावक अलग धर्म को मानता हो और वीतरागी भावलिंगी संत अलग धर्म को मानते हो, ऐसा तो नहीं? अलग धर्म तो नहीं, एक जैसे ही ना भैया। जिस धर्म की स्वीकारता आवृत्ति समय दृष्टि को है उसी धर्म की स्वीकारता, उसी धर्म की स्वीकारता है कि नहीं है? कोई भेद तो नहीं है, कोई विकल्प तो नहीं है। तो ये मार्ग दृष्टि का भैया, जैसी दृष्टि उनकी है वैसी दृष्टि अपनी हो तो अपना कल्याण का मार्ग बन सकता भैया। देखो आचार समय का कह रहे हैं उपाय देव उपदेशम कृत्वा। भैया उपाध्याय जो परमेष्ठी होते हैं वो क्या करते हैं? उपदेश करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का क्या काम है? उपदेश करना। उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश करते हैं दस लक्षणाम धर्म ध्रुवम और शाश्वत अपने ध्रुव स्वभाव की साधना करते हुए जो दस लक्षण धर्म कहे गए भैया उनमें स्वयं आचरण करते हैं और भव जीवों को दस लक्षण धर्म में आचरण करने की उपाध्याय परमेष्ठी की बात चल रही भैया। वो उपदेश करते हैं भगवान की वाणी का उपदेश करते हैं, स्वयं दस लक्षण धर्म का आचरण करते हैं, शाश्वत रूप से निश्चय से दस लक्षण धर्म को पालते हैं और भव जीवों को भी उसी में रत होने की प्रेरणा देते हैं। अपनी दृष्टि कहां? उत्तम क्षमा उत्तम आर्द्रव सत्य शोध शील संयम। अपनी दृष्टि कहां है? अपन उपदेश तो सुन रहे हैं। उपाध्याय परमेष्ठी को नमो वच्छायणम कहते हुए उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार तो कर रहे हैं लेकिन उनके उपदेश को उनके द्वारा कहे हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दस लक्षण धर्म को प्रकट करने की अपने अंदर रुचि लग रही कि नहीं लग रही? या फिर वही छल कपट मायाचारी झूठ हिंसा विपरीत, दस लक्षण धर्म से एकदम विपरीत भैया कैसा जीवन है? अनाचार में पापों में विषयों की आसक्ति में बात नमस्कार कर रहे हैं उपाध्याय परमेष्ठी को और भैया स्वीकार कर रहे हैं पापों को, नमस्कार कर रहे हैं उपाध्याय परमेष्ठी को और मन में क्या रखे भैया? मायाचारी का परिणाम। तो आप उपदेश की सार्थकता कब देखो ना, लिखा कारण सामने स्पष्ट क्या कि उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश करते हैं भैया और काय का उपदेश करते हैं? दस लक्षण धर्म जो शुद्ध दस लक्षण धर्म है भैया, जो शाश्वत मोक्ष का मार्ग है उस दस लक्षण धर्म का उपदेश करते हैं। अपनी रुचि है आत्म कल्याण की, यदि अपनी रुचि है तो उपाध्याय परमेष्ठी की वाणी को स्वीकार तो करो, उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को अंगीकार तो करो। और अगली गाथा में साधु क्या भैया क्या कह रहा है? साधम चेतना काय की साधना करना है? देखो लिखा शब्द दिया था समय साधम चेतना भाव, काय की साधना करते हैं? अपने चैतन्य भाव की जो साधना करते हैं वो श्रावक वो साधु, जिन्हें अपने चैतन्य में ज्ञान भाव की साधना हो वो साधक, वो जिन्हें चैतन्य भाव की साधना ना हो वो बाधक। देखो भैया अनंत काल से इस जीव को संस्कारी है क्योंकि शरीर को अपना माना है ना, शरीर को अपना माना है ना, पुत्र परिवार को अपना माना है ना, तो इस जीव का संस्कार ही है भैया कि बाहर में अचेतन में देव की स्वीकारता करना, बाहर में अज्ञानता में ही धर्म मानना, इस जीव का संस्कार ही है। क्यों है? सुबह शाम रात दिन रात काय का पोषण कर रहा है भैया, इंद्रिय विषयों का पोषण कर रहा है, दिन रात क्या देख रहा है? बाहर में संसार को देख रहा है ना, आकार आकृति को देखने का संस्कार पड़ा है ना। अब इसे शुद्ध धर्म की चैतन्यता की बात बताओ, आत्मा की बात बताओ तो ये क्या कहता है? आत्मा तो दिखाई देती नहीं है। उस चैतन्यता की आराधना कैसे करें, उस चैतन्यता को कैसे ध्याए, उस चेतना का ध्यान कैसे धरे भैया? क्यों? क्योंकि चेतना तो दिखाई देती नहीं, चेतना तो हमारे अनुभव में आती नहीं है। तो क्या करें भैया? अब चेतना नहीं दिखाई देती, चेतना हमारे अनुभव में नहीं आती, तो भैया अब जिसने जो पूजा बता दी वो पूजा सही है,
चेतना तो दिखती नहीं है ना, चेतना तो दिखती नहीं है, चेतना तो दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है ना। और श्रद्धा में नहीं है कि मैं जीव आत्मा चैतन्य दत्त परमात्मा हूं, ऐसी श्रद्धा भी नहीं है भैया। तो जीव क्या तर्क कर रहे हैं भैया, अब चेतना दिखाई नहीं दे रही तो कुछ ना कुछ अवलंबन तो देना पड़ेगा। अब चाहे वो अवलंबन अचेतन का क्यों ना हो, तो देखो देखो तारण स्वामी की बात, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, सार्धम चेतना भाव, यदि मुक्ति चाहिए तो चेतनता की साधना करनी पड़ेगी। चेतनता कहां मिलेगी, मंदिरों में तीर्थों में कहां मिल रही चेतनता? हाँ आश्चर्य की बात यह है कि तू स्वयं चैतन्य है और तू स्वयं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आश्चर्य की बात कि तू स्वयं चैतन्य भाव में ज्ञायक आत्मा है, तू स्वयं जानने देखने वाला वीतराग स्वभाव का धनी है भैया, तू स्वयं ज्ञायक परमात्मा है, लेकिन तुझे तेरा स्वभाव स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत काल से स्थूल वस्तुओं को स्वीकार करा है, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करा। अब जब तक भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करा तब तक भैया धर्म कहाँ दिखाई दे रहा? क्रियाओं, पूजा में, पाठ में, बाहर के भीड़ में, बाहर की माया में, बाहर की माया में, बाहर की काया में धर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान तारण स्वामी जिस वीतराग धर्म की भावना कह रहे हैं, जिस वीतराग धर्म की क्रांति जगा रहे हैं, साधम चेतना भावम, इस चैतन्य भाव की अलग जगा रहा है, उसकी ओर कभी ध्यान जा रहे हो? कभी देख रहे हो कि इस दह देवालय में वो परम वीतराग चैतन्य देव विराजमान है, आत्म धर्मम च एकम। अरे इस तीनों लोगों में एक ही धर्म है और वो है आत्म धर्म, मेरा ज्ञायक प्रभु, मेरा निश्चेतन लक्षण में आत्मा ही एकमात्र धर्म है। क्या कभी इसकी ओर अपनी रुचि जा रही है, अपना उपयोग पलट रहा है कभी? देखो तो, देखो तो एकमात्र एकमात्र अकेला धर्म है इस लोक में, और वो क्या है? आत्म धर्मम चा एक, एक सिर्फ बस, और कोई दूसरा धर्म? ये हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या फिर इसमें दिगंबर है, श्वेतांबर है, तारणपंथी है, जे ये भेद नहीं है। धर्म तो जिनेन परमात्मा का एक ही है और वो धर्म है आत्म धर्मम चा एकमात्र। अब अपन ने भेद कर लिए वो बात अलग है। तारण स्वामी ने तारणपंथ नहीं, तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग चलाया और मोक्ष मार्ग का नाम तारणपंथ है, वो बात अलग। लेकिन अपने को यह मार्ग स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात इतनी है। देखो तारण स्वामी के साथ 43,45,000 और 315 इतने जीव जुड़ गए। ये क्यों जुड़ गए भैया? तारण स्वामी ने 331 जीव जुड़ गए, तो ये बताओ कि तारण स्वामी ने कौन सा मंदिर बनवा दिया था, कौन से तीर्थ की स्थापना करवा दी थी, क्या करवाया था तारण स्वामी ने? कौन सा मंदिर बनवा दिया था, कौन से तीर्थ की स्थापना करवा दी थी, क्या करवाया? कुछ करवाया था क्या करवाया? उन्होंने तू स्वयं भगवान है का मंत्र देके जीवों से मंदिर छुड़वा दिए थे, मंदिर छुड़वा दिए थे, मन मंदिर में परमात्मा की स्थापना करवाई थी। वो भूला भटका जीव जो संसार में दर दर ठोकरे खा रहा था, अपने आत्महित की बात नहीं जान रहा था, मिथ्या आडंबर क्रिया कांड में धर्म मानने लगा था, बाहर की पूजा पद्धति में ही चित्त लग गया था, पूजा पाठ अभिषेक क्रियाओं को ही धर्म मानने लगा था, उस भोले भाले भूले भटके जीव को आत्म तत्व की क्रांति से जगा दिया और आत्म धर्मम च एकत्व। कौन सा धर्म बताया भैया? एक आत्म धर्म कि भैया तू स्वयं भगवान है, इस क्रांति को जगा दिया। तो तारण स्वामी के साथ एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 43,45,331 इतने जीव एक साथ हो गए। और अपन आज अपन कहां जा रहे हैं, किस साइड अपना रुझान कहां है, अपनी रुचि किस साइड जा रही है? अपन तारण स्वामी ने जो मूल दिया, तारण स्वामी ने जो आधार स्तंभ दिया भैया, सारनाम चेतना आप, क्या क्या मूल स्तंभ दिया भैया, कि इस लोक में
इस तीनों लोकों में यदि साधु होंगे तो भी चेतनता को ही साध रहने, क्योंकि साधने के लिए तो एकमात्र चेतना का भाव है। और इस तीनों लोकों में यदि कोई धर्म है तो आत्मधर्मम च एकत्व, एकत्व करने रूप, अपनत्व करने रूप, स्वीकार करने रूप, यदि इस तीनों लोकों में कोई धर्म है तो वो अपना निज अंतर आत्मा ही है, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं। तारण स्वामी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आओ हमारे प्रवचन सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा है कि भगवान आत्मा तुम अपने में ही चेतनता की अलग जात, अपने में अपने गायक तत्व का सहकार कर लो, यदि अपने निज चेतन तत्व से एकत्र कर लोगे तो ये यही सच्चा। तो अपने को गुरुदेव की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तारण स्वामी का ये मूल मन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो सावधान, आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, आचार्य उपाध्याय देवेन, ये देव है भैया, आचार्य देव है, उपाध्याय देव है, इन्होंने क्या उपदेश दिया है, धर्म शुद्धम चा धारिणा, हे भव्य आत्मा इन्होंने शुद्ध धर्म को धारण किया तो आज आचार्य और उपाध्याय बन गए, और हमसे क्या कहना भैया, एक काम ये कहेगा कि भैया हमारा क्या बोलते हैं, हमारे नाम से पूजा करते रहना, हमारे नाम से पाठ करते रहना, हमारे नाम से क्रिया करते रहना, रोज कहना पंच परमेष्ठी भगवान की जय, तुम रोज पंच परमेष्ठी भगवान की जय बोलते रहना, तुम हमारे भक्त बने रहना और हम भगवान बन गए, हमें तो लगता ही नहीं है कैसे, हमें तो ऐसा लगता है कि पंच परमेष्ठी भगवान, भगवान महावीर हमसे ये कह गए, क्या कह गए कि हम हो गए देव, ये लिखा ना, देखो लिखा आचार उपाध्याय देवेन, क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हम हो गए देव, आचार उपाध्याय कौन है, देव है, और वो हमसे कह गए हम बन रहे परमात्मा और तुम हमारे, हम बन रहे भगवान और तुम हमारे भक्त बनते बने रहना, तुम हमारी पूजा पाठ करते रहना, हमारे मंदिर में झाड़ू लगाते रहना, झाड़ू साफ करते रहना और सफाई लिपाई पुताई का करते रहना, हम बन रहे भगवान और तुम बने रहना भक्त, क्योंकि हमारे चैत्यालय में हमारे मंदिरों में कोई दिया जलाने वाला भी तो रहे, झाड़ू लगाने वाला भी तो रहे, सभी भगवान बन जाएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, ये कह गए थे, यही तो समझा के गए थे कि हम है देव और तुम बने रहो भक्त, हम बन गए भगवान और तुम बने रहो पुजारी, यही तो समझा गए, यही समझा गए ना, क्या समझा गए, भगवान महावीर स्वामी जाते आते क्या कह रहा है, महावीर स्वामी कहा कह रहा है, देवतानंद स्वामी कह रहे हैं, महावीर स्वामी क्या कह रहा है, जियो जीने दो, भगवान आत्मा तुम जीव हो, जीने वाले हो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हो, जियो और जीने दो, छह काय के जीवों पे अनुकंपा करो, स्वयं जियो और जीने दो, और इन भूले भटके जीवों को जीने का मार्ग बताओ, जैसा वीतराग स्वभाव उन्होंने अपने अनुभव में उत्पन्न किया है, जैसी चेतनता का अनुभव उन्होंने किया है, तुम वैसा जीना स्वयं सीखो और जीवों को वैसे जीने की राह दिखाओ, जियो जीने दो, छह काय के जीवों पर अनुकंपा करके मैत्री भाव रख के वात्सल्य भाव रख के इस वीतराग धर्म को, इस चैतन्य तत्व की साधना को समझो, ये कह के गए, ये कह के गए भैया हमारा नामोकार मंत्र पढ़ते रहना, हमारे हमारे नाम की एक माला जपते रहना, हमारे नाम से जयकार बोलते रहना और तुम संसार में रहना और हम जा रहे हैं मोक्ष। बताओ जैन धर्म में और अन्य धर्म में अंतर क्या है, ये बताओ, यही तो अंतर है ना, कि अन्य धर्म क्रिया कांड आडंबर में बाहर की पूजा में धर्म मानते हैं, यही अंतर है ना, कि अन्य मतों में बाहर की क्रिया कांड और पूजा पाठ को ही धर्म मानते हैं, और जैन धर्म में इतना ही तो अंतर है कि यहाँ पूजा क्रिया कांड पाठ आडंबर में धर्म नहीं मानते, इतना ही तो अंतर है ना, कि अन्य मत बाहर में एक परमात्मा को मानते हैं और सब उसके भक्त होते हैं, और जैन धर्म इतने अंतर है ना कि यहाँ कोई परमात्मा जन्म नहीं लेता, यहाँ जो पुरुषार्थ करता है वो परमात्मा हो जाता है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे तारण स्वामी हो, जिसने पुरुषार्थ किया वो परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा बताओ, जब पुण्य पुरुषार्थ किया तो वो परमात्मा हो गए, तो हम पुरुषार्थ करके परमात्मा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन कब, अपनी मन की मानेंगे तब या इनकी मानेंगे तब,
पहले पक्का निर्णय कर लो भैया, नहीं तो सुनो इनकी और करो मन की, सुनो इनकी और करो मन की। भाई चलता है, समाज का व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, दुनियादारी निभानी पड़ती है भैया। अब ये रात में जाना पड़ते हैं, शादी में खाना पड़ता है, अब ये सब जाते हैं इधर उधर तो हमें भी जाना पड़ता है जी। ऐसा काम नहीं भैया, ढुलमुल नीति नहीं। यदि निष्ठा करनी है तो एक बार करो, मोक्ष जाना है तो एक बार पक्की करो कि आचार उपाय देवें, आचार परमात्मा उपाध्याय परमात्मा इन देवों ने क्या कहा है, धर्म शुद्धम चा धारणा। हे भव्य जीव, यदि धारण करने योग्य यदि कोई शुद्ध धर्म है तो वो मेरा भीतराग तत्व, मेरे अंदर में बैठा हुआ मेरा निराकार परमात्मा सिद्ध स्वभाव ही है। धारण करना है तो भीतराग धर्म का धारण करो भैया, जिसमें राग देश नहीं है, जिसमें मन की संतुष्टि नहीं है। वे चार माला कर ली तो आज मोक्ष का मार्ग मिल गया, के चार पन्ने पलटा लिए तो आज मुक्ति का मार्ग मिल गया। जहां ऐसी संतुष्टि नहीं है तो फिर क्या है, अपने चैतन्य की भीतराग तत्व की सुरति, आत्मा का बोध। धर्म धर्म शुद्धम चा, शुद्ध धर्म की धारणा है कि नहीं, पक्का बताओ भैया। ये पहले बता, एक बार बताओ, पंच परमेष्ठी जो धर्म कह रहा है वो स्वीकार करना है कि नहीं, पंच परमेष्ठी जो मार्ग कह रहा है उस मार्ग पर चलना है कि नहीं, अपने मनमानी का मार्ग चाहिए क्या, मनमानी का मार्ग से चल ही रहा है, ये मार्ग जो कह रहा है वही चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर मानो ना कि क्या धर्म शुद्धम चा धारणा, धारण करने योग एक धर्म है शुद्ध तत्व श्रद्धा, इसकी लगन लगाओ ना भैया। देखो अगली बात है, बता रहा स्वामी डंके की चोट पे कह रहा है क्या, ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा, सुनो सुनो, पूजितम चा सदा बुधे। इस लोक में जो बुद्धिमान जीव है भैया, कौन बुद्धिमान, मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान मतलब ज्ञानी, अपने कल्याण को, अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला, सुनो धर्म स्वामी कहते हैं सदा बुधे, जो बुद्धिमान है वो सदा पूजितम पूजा करता। भैया कौन सी पूजा करता है, कौन से मंदिर में जाके, कौन से मंदिर में जाके पूजा करता है, कहाँ जाके पूजा करता है, कौन सी पूजा करता है भैया। देखो लिखा है पूजा का स्वरूप, ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा, क्या करता है, शुद्ध दृष्टि से अपने ही चैतन्य देव की पूजा करता है, शुद्ध दृष्टि से अपने ही चैतन्य देव की आराधना करता है। कब तक करता है, दिन में करता है, रात में करता है, पूजितम चा सदा बुधे, बुद्धिमान है सदा सदा अपने ही चैतन्य तत्व की पूजा करता है, बुद्धिमान है एक क्षण के लिए भी अपने तत्व के श्रद्धान को नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी अपने आत्मा के बोध को नहीं छोड़ता। अपने आत्मा के बोध को छोड़ दे तो बुद्धिमान कहाँ भैया, वो जानता है इस तीनों लोगों में तीनों कालों में मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, और वो मार्ग है अपने शुद्ध तत्व का सहकार करना भैया, अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान करना। तीनों लोगों में तीनों कालों में मोक्ष का मार्ग तो बताओ, कहाँ पूजा करने जाओगे भैया। और भाई कौन कहता है ऐसा, तारण समय तो नहीं कहा, उक्तम चा जिन देवम चा, कौन कह रहा है ऐसा, उक्तम चा जिन देवम चा, ऐसा उपदेश साक्षात जिनेन्द्र देव ने कहा है, और कौन सुनता है, श्रुते भव लोकियम, इस लोक में जो भव जीव है वो ही इस वीतराग उपदेश को सुनते हैं, और बाकी तो भैया सुनते तो है, हमने अंतर बताया था श्रोता और सरोता, श्रोता और सरोता जो भगवान की वाणी के उपदेश को सुन के स्वीकार करते हैं वो श्रोता, और जो भगवान की वाणी को उपदेश को सुन के, जिन देव का उपदेश सुन के उसको स्वीकार नहीं करते, सरोती की तरह काटते हैं, ऐसा नहीं ऐसा भी, यहाँ भी जाना है और वहां भी जाना है, ये भी करना है और वो भी करना है, सुनना इनकी है और मानना मन की है। सरोता अपन श्रोता है, सरोता जो भगवान की वाणी को श्रवण करे, वो श्रवण करने का मतलब स्वीकार करना, मानना, जो भगवान की वाणी को स्वीकार करे वो श्रोता,
और जो भगवान की वाणी सुने तो लेकिन स्वीकार ना करे, उस बात को काट दे और अपने मन की बात कहे, वो कौन? सरोता। तपन कौन है? पक्की बता दो भगवान आप। श्रोता ही सरोता तो नहीं है कोई? सुने भगवान की बात और करे मन की बात, कोई एक भी नहीं है सब? कर जाए, पढ़ जाए, कहा होगा अब देखो भैया, असर जिसके चित्त में जितना हो जाए, यहां तो गुरुदेव की वाणी स्पष्ट है, सिद्धांत किसी के साथ समझौता नहीं करता। यहां यदि आपको मोक्ष मार्ग चाहिए तो गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया, श्रूयते भव्य लोकस्य, इस लोक में जो भव्य जीव है और जिनकी भव्यता का जागरण होने का समय आ गया। तारण स्वामी के समय 43,45,315 भव्य जीवों की भव्यता के जागरण होने का काल आ गया था, उस समय उनने स्वीकार कर लिया। यदि आज अपनी भव्यता के जागरण का काल आ गया है तो अपन तारण स्वामी की बात को, जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों को सुन के इनको स्वीकार कर लेंगे। अपनी भव्यता का जागरण का काल नहीं आया तो आदिनाथ भगवान मारिच को समझा नहीं पाए, नहीं समझने वालों को कोई नहीं समझा सकता। जिन्हें समझना ही नहीं, जो मान के ही बैठ गए कि हम तो अपने मनमानी ही करेंगे, उन्हें समझाने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। भैया आदिनाथ ने विकल्प ही नहीं किया मारिच को समझाने का। आदिनाथ भगवान समोसरण छोड़ के गए तो नहीं कि भाई समोसरण छोड़ के चला जाओ, बेचारा मारिच जंगल में भटक रहा है, मिथ्या मतों को चला रहा है, मैं समझा जाऊ, ऐसा तो नहीं करा। कोई विकल्प आया क्या? नहीं आया। ये केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनकी वाणी में तो आ गया कि 24वें तीर्थंकर होंगे तो होंगे, इसके बीच में जो उपद्रव करे मारिच की अपनी अज्ञानता का कारण है, उसकी स्वयं की मिथ्या मानता का कारण था। इसलिए किसी को कोई समझाने वाला, जिसे समझना है वो स्वयं आ जाते हैं भी, जिन्हें अपना काम बनाना है, जिनकी होनार है, जिनका भावी तत्व पक गया है, जिनकी भव्यता जागरण होने का काल आ गया भैया, वो स्वयं आ जाते हैं और स्वयं आके अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। देखो श्रूयते, श्रूयते का मतलब क्या है? श्रुत को सुनने वाले, श्रुत ज्ञान में इस आनंद की अमृत बात को सुनने वाला भैया, जो सुनता है वो ही गुनता है और जो सुन के गुनता है वो श्रोता कहलाता है। तो इसलिए अपन तो भैया जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानने वाले हैं कि नहीं? पक्के हो गए कि नहीं हो गए? सिद्ध है सिद्ध, औकाश समान है ना, पर्यायों को नाम देखते ना, पर्याय की बात करते और ना पर्याय से हमारा कोई संबंध, एक बात जानते हैं कि सिद्ध है सिद्ध। महाराज जी दो ढाई ढाई सौ बार का स्मरण का नियम है सबका, तो क्रांति तो जगती है, क्रांति जगाने वाला होना चाहिए। तो आगे बात चल रही भैया कि साधु साधु लोकस, लोक में जो साधता है वो साधु, साधु कौन? अच्छा जो मंदिर बनवाता है वो, जो तीर्थ बनवाता है, जो जिसका मन मंदिर बनवाने में लगा है, जिसका मन तीर्थ बनवाने लगा है, औषधालय खुलवाने में जिसका मन लगा है, वस्त्रालय खुलवाने में जिसका मन लगा है, साधु किसे मानोगे? अब गाथा से प्रमाण करो, किसी की मत सुनो, आप तो गाथा के पास जाओ, साधो साधु लोकस, इस लोक में साधु किसे मानोगे आप? किसे मानोगे? देखो लिखा है ना, साधो साधु लोकस, इस लोक में जो आत्म साधना कर रहा है वो साधु, उसके अलावा कोई साधु नहीं। क्या कह रहा है? साधो साधु लोकेन, और देखो उनकी विशेषता, दर्शनम ज्ञान सचितम, इस तीनों लोगों में साधु तो वो है जो अपने आत्म साधना में लीन है और दर्शन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त है भैया, और मिलाओ चारित्रम आचरणम जैन, भैया जो सम्यक चारित्र में आचरण कर रहे हैं, उदयम अवही संयुक्तम, जिन्हें अवधि ज्ञान का उदय हो
हो गया है। ऐसे भावलिंगी जगत में गुरु का भार संभालने वाले भावलिंगी महामुनिराज साधु ही वास्तव में सच्चे क्रिया कांड में नहीं, बाहर के आडंबर में नहीं, जिनकी संसार से दृष्टि हट गई है साधु वे है जो इस लोक में साधना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की रिद्धि से संपूर्ण है। भैया आप नमो लोए सब सावणम बोल रहे हो तो कौन से साधु का नमस्कार कर रहे हैं? जो नौवे गृह तक जाने के बाद वापस निगोद चले नमो लोए सब, इसमें आप कौन से साधु को नमस्कार कर रहे हो? आप पहले पक्का निर्णय करिए, कौन से वाले साधु को नमस्कार कर रहे हो? जो जो हाँ बोलो क्या कह रहा है? जूम से कौन क्या कह रहा है? चलो ठीक, क्या कौन से साधु को नमस्कार कर रहे हो? जो रत्ना करेंगे नमो लोए सब सावणों का मतलब क्या है कि जो भी बाहर घूमे वो साधु, ये मतलब है। नमो लोए सब सावणों का मतलब क्या है? इस लोक में जो भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों रत्नात्रय से शुद्ध है, जिनका भावलिंग प्रकट हो गया है और जो अल्प काल में अपनी मुक्ति का वरण करने वाले हैं, जिनका चारित्र यथार्थ शुद्ध है, ऐसे साधु परमेश्वर को इस तीनों लोकों में वो कहीं भी हो नमो लोए सब सावणम में श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। यही भावना है ना, ये और कोई भावना? या भैया भैया को तो मजबूरी है, बचपन से कहा नमनता नम श्रद्धा नम आया नमस्कार खत्म। तो नमो लोए सब सावणम कब बोल दिया वही पता नहीं, नमनता नम श्रद्धा नम आया आगे क्या बोला पता ही नहीं। इतनी स्पीड में वो गाड़ी चलती है, इतनी स्पीड में वो गाड़ी चलती है कि जितनी देर में शायद तीन बार नमस्कार मत ना हो पाए उतनी देर में नौ बार हो जाता है। जल्दी से बता, वो क्रिया जबरदस्ती करी, मजबूरी में कराई हुई क्रिया, वो माला खिसकाने की आदत, वो रट्टू तोता वाला व्यवहार करना है और टाना है, भाव से कोई मतलब तो पक्का कर लो, 100% निश्चय कर लो भगवान आत्मा कि कौन से साधु को वंदन करना है। आप करना नहीं, आप कौन से साधु को नमस्कार कर रहे हो आप पहले निश्चय कर लो, और निश्चय कर लोगे तो तारंग स्वामी की गाथाएं आपके लिए प्रमाण हो जाएंगी। साधु साधु लोकस, इस लोक में साधु की उपमा उसी को है जो दर्शन ज्ञान से संयुक्त है। भैया चारित्र में निर्दोष आचरण कर रहे हैं और वह गुरु जिन्हें अवधि ज्ञान का अंकुरण हो गया है उस लोक में वही भक्त साधु है। भैया अर्थात वो क्या कहते हैं, उत्कृष्ट पात्र है, उत्तम पात्र है, इनकी वंदना करते हैं अपन पंच नमस्कार मंत्र में। और यदि भैया इनको छोड़ के यदि अन्य के पीछे अपन भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे यदि अपन भाग रहे हैं तो कुलिंगियों को नमस्कार करने से अपन जो जीवन भर से नमस्कार मंत्र पढ़ रहा है उसकी प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा बताओ नमोकार मंत्र अपन पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है? पंच परमिष्टि की आराधना के लिए, विराधना के लिए? पक्का बताना, जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसका जवाब चाहिए एकदम सटीक। पंच नवकार मंत्र पढ़ा है पंच परमेश्वर की आराधना के लिए या विराधना के लिए? और यदि कोई इन पांच पदों से विपरीत आचरण कर रहा हो और यदि हम उसके पीछे भागे तो हम पंच परमेश्वर पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करेंगे या विराधना? अब ये बता हम क्या करना है, चलिए बताओ हम क्या कर रहे हैं, झूठ मत बोलो। पंच नमो कार मंत्र काहे के लिए पढ़ रहे हो? पांच परमेष्ठी भगवंतों को मेरा श्रद्धा भक्ति से नमस्कार है, एसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशो, कि ये पंच नमस्कार मंत्र पढ़ेंगे और हमारे जीवन में पापों की रुचि खत्म हो जाएगी, पांच पापों का नाश हो जाएगा और पांच पापों के नाश से अंतर में जो भीत राखता प्रकट होगी या जो सत्य का सिद्धांत प्रकट होगा, एक जैसे अणुव्रत प्रकट होंगे महाव्रत प्रकट होंगे तो इनसे हमारा निर्माण का मार्ग बन जाएगा। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र पढ़ रहा है क्या क्रिया करने के लिए पढ़ रहा है? पंच नमस्कार मंत्र लिखा और उसे पढ़ने का उद्देश्य निश्चय लिख दिया
इस पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ने से पांच पापों का विनाश होता है, संयम की प्रकटता होती है, सम्यकता का जागरण होता है। यही लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा कि पंच नमस्कार का पढ़ने से शादी हो जाती है, धन बढ़ता है, विवाह बढ़ता है, संसार बढ़ता है, ऐसा तो नहीं लिखा। ऐसा लिखा तो बताओ भैया, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। ये लिखा ना पांच पापों का नाश होता, यही लिखा ना, पांच पापों की रुचि नष्ट होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान की भाव अंतर में जागृति होती, यही लिखा ना। तो बताओ यदि अपन रोज नमोकार मंत्र पढ़े और भैया अरेब के पीछे, कुलिंगियों के पीछे, कुगुरुओं के पीछे दौड़ लगाए, तो अपन नमोकार मंत्र की आराधना करने वाले हैं आराधना? हाँ, क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब कोई नहीं बोले, आराधना कर रहे हैं। सोच लो भगवान आत्मा, तुम महामंत्र की आराधना करोगे तो कहां जाओगे? पंच परमेश्वर की आराधना करके कहां जाओगे? तीनों लोगों के तारणहार अरिहंत सिद्ध भगवान की आराधना करके कहां जाओगे? भगवान आत्मा ये पांच पद आराधना करने के लिए है, आराधना करने के लिए नहीं है। ये पंच परमेश्वरी पद अपने स्वभाव की अनुभूति जगाने के लिए है। देखो आचार्य तारण स्वामी ने यही मार दिया। आचार्य तारण स्वामी ने पांच पदवियों की चर्चा करी। क्यों पांच पदवियों की चर्चा करी? उन्होंने कहा व्यवहार में पूज्यता की अपेक्षा से ये पंच परमेश्वरी भगवान है, लेकिन भैया इन पंच परमेश्वरी समान पद को उत्पन्न करने के लिए ये पंच पदवियां हैं जो गुरुवाणी उपाध्याय पदवी दी है। आवृत सम्यक दृष्टि को उपाध्याय पदवी ही तारण स्वामी, उपदेश करने का अधिकारी कहा है, सम्यक दृष्टि कहा है, अपने जीवन में सदाचार से जीता हुआ, ग्रस्त में रहता हुआ, भगवान की वाणी को स्वीकार करके भगवान की वाणी को ही कहता है, ये उपाध्याय पदवी का आधार ही है। भैया गुरुदेव ने जो पांच पदवी दी है वो आत्म साधना की अपेक्षा से दी। भैया अपन ने व्यवहार में पांच पदों को तो जान लिया, वो सच्चा नहीं जाना। अरे सच्चा जानते तो उनके गुणों के अनुसार मिलान करते और फिर अपन किसी की आस्था करते। और यदि तारण स्वामी के पास आओगे तो व्यवहार के पांच पद तो उन्हें सही कहे कहे, लेकिन निश्चय से पंच पदवी की साधना कही है। भैया यदि तत्व का श्रद्धानी है तो उसके अंदर में क्रांति दिखनी चाहिए, जागरण दिखना चाहिए, अपने स्वभाव का बोध दिखना चाहिए। जो अन्य मिथ्या मानता में उलझता नहीं है वो आत्मार्थी भव्य जीवन। देखो तारण स्वामी की बात, साधव साधु लोकस दर्शनम ज्ञान संयुक्त, दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, चारित्रम आचरणम जैन, जो अपने सम्यक चारित्र में आचरण कर रहा है, और यह अवही संयुक्तम अवधि ज्ञान का अवकरण जिनके अंदर दिखाई दे रहा है, वह भावलिंग की वीतरा की साधु को मेरा श्रद्धा भक्ति से बारंबार नमस्कार, नमस्कार। और देखो क्या कह रहा है कि वो साधु कहीं भी हो, कहते पंचम काल है, हम यहाँ है, हम वहां है। देखो तारण स्वामी का प्रमाण, ऊर्ध्व मध्यम च, साधु की परिभाषा चौथे काल और पांचवे काल में बदलती नहीं है कि चौथे काल का साधु ऐसा होगा और पांचवे काल का साधु ऐसा होगा, साधुओं की परिभाषा नहीं बदलती भैया। ऊर्ध्व मध्यम च, साधु ऊर्ध्व लोक में रहे, मध्य लोक में रहे या अधोलोक में रहे, साधना करने वाला कहीं भी रहे, सत्य को ग्रहण करने वाला कहीं भी रहे, सत्य को स्वीकार करने वाला कहीं भी रहे, किसी भी समाज के बीच में रहे, किसी भी संप्रदाय के बीच में रहे, किसी भी मत के बीच में रहे, ऊर्ध्व आर मध्यम च, या सम्यक दृष्टि श्रावा कहीं भी रहे, दृष्टितम सम्यक दर्शनम, क्या देखता है? अपने सम्यक के सहकार को ही देखता। भैया मिथ्यात की ओर दृष्टि भी नहीं देता, कहीं भी रहे। ऐसा नहीं है कि हम इनके बीच में रहते हैं, भैया हम जहां रहते हैं वहां सब ऐसा करते हैं। अब आप ये बताओ भैया, हम भैया जिस समाज में रह रहा है उस समाज में आधे लोग ऐसा करते हैं, आधे लोग ऐसा करते हैं, हम जिस मोहल्ले में रह रहा है वो पड़ोसी तो यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, भैया ऐसे लोगों का धर्म नहीं है भैया। भैया जो लोक मूर्ताओं का पालन करते हैं उनके लिए वीतराग धर्म नहीं है। वीतराग धर्म तो क्षत्रियों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है, जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करते हैं और एक भावना रखते हैं भैया, ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, तीनों लोकों में कहीं भी रहे, दृष्टितम सम्यक दर्शनम, एक सत्य को देखते हैं कि मेरे अंतर में मेरा गायक परमात्मा एक,
जिन्हें एक सत्य जिन्हें भगवान का दिखाया हुआ मार्ग और भीत रास्ता ही दिखाई देती है भैया, वो सच्चे सम्यक भी है भैया। देख लो मिला लो अपना कि ज्ञानम मयम चाह सर्वज्ञ, आत्मा स्वभाव कैसा है। देखो भैया अपन ये तो जानते ना सर्व भगवान के ज्ञान में लोकालो चंद्र, लेकिन तुम्हारा आत्मा का स्वभाव कैसा ये तो बता। अरे तुम अपने आप को क्यों हीन मानते हो, तुम अपने आप को क्यों दीन मानते हो। ज्ञानम मयम चा सर्वज्ञम, लोका लोक को प्रकाशित करने का स्वभाव तो स्वयं तुम्हारे ज्ञान का है। तुम अपने आप को परमात्मा से कम क्यों तोलते हो। देखो भैया जब कोई भी जीव अपने आप को परमात्मा से कम आंकता है तो परमे परमात्मा की पूजा करता है, और जब कोई भी भव्य आत्मा अपने आप को अप्पा परमात्मा तुल्यम च विकल्प चित्त ना क्रियते, जब कोई भी भव्य आत्मा अपने आप को परमात्मा के तुल्य मानता है तो वो स्वयं में परमात्मा की पूजा करता है। इतनी सी बात है भैया कि आपको जब तक परमात्मा में और आपके गुणों में अंतर दिखाई देगा तो आप परमात्मा को कहां पूजोगे, परमे, और जहां आपको स्वयं में और परमात्मा में भेद खत्म हो जाएगा तो आप परमात्मा को कहां पूजोगे, स्वयं। तो दृष्टि का फेर है भैया, जिसको स्वयं में चैतन्यता में परमात्मा दिखता है वो निज नाथ की पूजा करते हैं, और जिसको परमात्मा परमे दिखता है वो अनाथ जिसे भगवान बता दो उसकी पूजा कर लेते हैं। यहां तो भैया अपनी अपनी रुचि का कमाल है, जिसकी जैसी रुचि उसका वैसा सहकार। तारण स्वामी डंके की चोट पे कह रहा भैया ज्ञानम मयम चा सर्वज्ञ, आत्मा कैसा है। अरे अपना बहुमान कर लो रे, अनंत काल होगा पर मैं परमात्मा मानते मानते। तारण स्वामी कह रहा है ये आत्मा ज्ञान में है और सर्वज्ञ स्वभाव है, लोका लोक इसके ज्ञान में झलक रहे हैं, और आचरणम संयुक्तम भ्रमम, हे भव्य आत्मा ऐसे शाश्वत स्वभाव के आचरण से संयुक्त रहो, अपने ध्रुव आत्मा को परमात्मा को अपने हृदय में पहचानो, इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते अनंत काल हो गया, अपने आदि अंत की खबर नहीं कर रही। कब कर रहे हो भगवान आत्मा, कब कर रहे हो, हाँ अभी से जाए, अभी भी चाहिए अभी से लगे मतलब। अच्छा अभी से लगे, दृढ़ता का मार्ग है भैया। कल अपन ने पढ़ा था ना गाढ़ा धरे तो पावे ठान पावे, जो गाढ़ा सिद्धांत धरेगा और जो ठान लेगा कि मोक्ष का मार्ग तो यही है उसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जो ढीला पोला बना रहेगा तो उसका क्या होगा। गंगा गए गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, उनका क्या होगा भैया, क्या होगा, कुछ तो होगा ना। भाई संसार अनंत है, संसार का परिभ्रमण भी अनंत है। देखो आत्मा तो अनंत है ही लेकिन संसार भी अनंत है, जो अनंत चतुष्टय में आत्मा को नहीं जानेगा वो अनंत संसार में तो जन्म मरण करेगा। दुख भी अनंत है, दुख का भी कोई और छोर नहीं है, और आत्मा का सुख भी अनंत है। अब चुनाव आपका भैया, आप संसार में जन्म मरण करते हुए दुख का चुनाव करते हो या अनंत अपने शाश्वत सुख का चुनाव करते हो। आपको पता है मिथ्यात परम दुखानी और सम्यक्तम परम सुखम, अपन ने परसों ही पढ़ा था, यरे आदि की मानता करने वाला मिथ्यात परम दुखानी, मिथ्यात ही परम दुख को भोगता है और सम्यक्तम परम, क्या सुनोगे क्या चुनोगे, पक्का बता दो भैया क्या चुनना है। चलो हम अपनी बात को इस बात को पूरी करके महाराज जी को समय दे रहा है। ऊर्ध आद मध्यम च, ऊर्ध आद मध्यम च, ऊर्ध लोक में आद अर्ध लोक में और मध्य लोक में भैया दृष्टितम सम्य दर्शन, सम्य दृष्टि कौन, जिसे अपना स्वभाव दिखाई दे भैया, कैसा स्वभाव दिखाई दे, ज्ञान मयम चा सर्वज्ञ, मैं कैसा हूं, ज्ञानमयी आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, अरिहंत के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अरिहंत की सामर्थ में और मेरी सामर्थ में कोई अंतर नहीं है,
द्रव की अपेक्षा से तो हम दोनों एक समान हैं। इसलिए पूजा करने के लिए अंदर आ जाओ। आचरणम संयुक्तम ध्रुवम। जो ज्ञानी श्रावक इस सत्य को स्वीकार करके अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण करता है भैया, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जो इस बात को भूल के दर दर भटकता है, मंदिरों में भटकता है, तीर्थों में भटकता है, वो संसार में भटकता है। भटकन मिटाना है तो तारण स्वामी के पास आ जाओ। भटकना है तो पूरी दुनिया अपने पास बुला ही रही है, प्रलोभन दे दे के, लालच दे दे के पूरी दुनिया अपनी ओर आकर्षित कर ही रही है। लोभी होगा तो संसार में भटकेगा, और यदि पुरुषार्थी होगा, क्षत्रिय होगा, तो एक छत्र राज स्वीकार करेगा कि त्रिलोकी नंदन मेरा गायक परमात्मा ही श्रेष्ठ है, तारण स्वामी का वीतराग मार्ग ही श्रेष्ठ है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं, ना किसी का भेद, ना किसी का क्रोध। हमारी जो जिनवाणी है, गुरुदेव के जो वचन है, वो सत्य है, ध्रुव है और उनमें कोई सन और संशय जैसी बात नहीं है। मुझे स्वीकार है कि नहीं? पक्के स्वीकार है? कोई भय तो नहीं है? किसी का डर तो नहीं है? अरे महाराज जी और कछु कहने लगे तो सुनोगे तो नहीं? गुरु महाराज के अलावा किसी के सुनने अक्की बात हो गई कि नहीं हो गई? 100% बोली आचार्य प्रबल शत्रु संत तारण कर।